किसान आंदोलन को लगातार आज 10वां दिन है। किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश करने में लगातार जुटे हुए हैं। इसी बीच किसान और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। खनौरी में हालात बिगड़ चुके हैं। खनौरी में कई राउंड आंसू गैस छोड़ी और रबर बुलेट्स भी दागी गई। इसी बीच एक और किसान की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वहीं किसानों ने पुलिस का सामना करने के लिए स्पेशल मास्क, गीली बोरिया और चश्मे पहने हुए हैं। साउंड कैनन से निपटने के लिए किसान स्पेशल ईयरबड्स लेकर आए हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। किसानों को रोकने की हर हाल कोशिश की जा रही है। वही केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर से किसानों को बातचीत करने के लिए कहा। किसान मीटिंग के लिए विचार कर रही है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका फैसला लिया गया, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी। किसानों के साथ सरकार की बात हो चुकी है, लेकिन कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में अभी तक 2 पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत हो चुकी है, लेकिन ना किसान हार मानने को तैयार है और ना ही सरकार हार मानने को तैयार है। अब किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 फरवरी को दिल्ली कूच करने का फैसला ले लिया है। किसान पूरी तरह से दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही किसानों को कई अन्य किसान संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों को मनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डीएम और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बैठक ली। बैठक करीब 2 से 2.5 घंटे चली, लेकिन कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। पंजाब और हरियाणा के किसानों का बड़ा जमावड़ा हरियाणा की सीमाओं पर तैनात है। फसलों की एमएसपी पर गारंटी के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। जाना उन्हें दिल्ली था, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया। पुलिस ने बॉर्डर पर सीमेंट के बैरियर और कंटीले तार लगा दिए किसानों को रोकने के लिए। इसके बाद ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए, लेकिन किसान इसके बाद भी नहीं रुके। किसान पटियाला के शंभू बॉर्डर और हरियाणा में हिसार संगरूर के बीच खनौरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर डटे हुए हैं। सरकार के साथ कई बैठकों के बाद भी इस आंदोलन को खत्म करने का कोई हल नहीं मिल पा रहा है। अब आखिर में किसानों का फैसला है कि वो अब दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।